हेलो गाइस, दिस साइड सौरव एंड यू आर वाचिंग टेक सौरव। सो गाइस, आज की इस वीडियो में स्पेशली ट्रांसट्यूटर के ऊपर लेकर आया हूँ, क्योंकि गाइस काफ़ी टाइम से मुझे मैसेजेस आ रहे थे कि ट्रांसट्यूटर पे जो है वो क्वेश्चंस नहीं आ रहे, तो हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें। हम ऑलरेडी अकाउंट बना चुके हैं बट क्वेश्चंस जो है वो भी इसमें हमारे को नहीं शो हो पा रहे हैं। तो देन गाइस, आज उसका आपको पूरा प्रॉपर सॉल्यूशन देने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप करके पूरा आपको प्रोसेस दिखाऊंगा। सो गाइस, वीडियो को एंड तक देखना सो दैट आपको पूरी वीडियो अंडरस्टैंड हो सके कि कैसे आपको अब ट्रांसट्यूटर पे क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं जो कि वेबसाइट्स पे अभी नहीं आ रहे हैं। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट अगर मैं कोई भी इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो या कोई चेक से रिलेटेड अपडेट डालूँ तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम तक पहुंच जाए। तो चलिए गाइस, अब टाइम को वेस्ट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले अपने गूगल पे आ जाएंगे। गूगल पे आने के बाद यहाँ पे हम सर्च करेंगे अपना ट्रांसट्यूटर्स। देन गाइस, अपनी ट्रांसट्यूटर की जो वेबसाइट होगी उस पर हम, सो गाइस मैंने इस पर ऑलरेडी अकाउंट बना रखा है तो मैं अपना अकाउंट जो है वो यहाँ से ओपन कर लूँगा। देन गाइस, अब आप देख सकते हैं कि मैं अपने ट्रांसट्यूटर के जो डैशबोर्ड है उस पर आ चुका हूँ। अब गाइस, जो मेन प्रॉब्लम है वो यहाँ से स्टार्ट होती है। देन गाइस, जैसे अब सब्जेक्ट फिल्टर पे चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे हम सब्जेक्ट फिल्टर पे चलते हैं, ओके, ऑल क्वेश्चंस टाइप में हम यहाँ पे डिफ़िकल्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। देन हम अप्लाई पे क्लिक करते हैं। देन गाइस, जैसे हम अप्लाई पे क्लिक करते हैं, अब जैसे हम नीचे क्वेश्चंस देखते हैं तो नो रिकॉर्ड फाउंड लिखा आता है। पहले गाइस, मैं आपको पहले अब इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। सॉल्यूशन बताने से पहले गाइस, एक बार हम कैप्सूल क्वेश्चंस पे भी जाके चेक कर लेते हैं। कैप्सूल क्वेश्चंस पे आ गए, सब्जेक्ट फिल्टर यहाँ पे सेलेक्ट नहीं हो रहा है। क्वेश्चंस टाइप हम गोल्डन क्वेश्चंस भी एक बार सेलेक्ट करके देख लेते हैं। देन गाइस, गोल्डन क्वेश्चंस यहाँ पे मैं एक बार सेलेक्ट कर लेता हूँ। गोल्डन क्वेश्चन गाइज अभी यहाँ सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं, मॉडरेट यहाँ सेलेक्ट हो रहे हैं। और देन गाइज फिर अप्लाई करके देखते हैं, बट गाइज अभी भी यहाँ पे क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। देन गाइज इसकी अब एक बार हम इजी क्वेश्चंस ट्राई कर लेते हैं, इजी क्वेश्चंस देखते हैं ट्राई करके। सो गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी इजी क्वेश्चंस भी अवेलेबल नहीं है। चलिए गाइज, अब आपको तो सॉल्यूशन बताता हूँ कि ये क्वेश्चंस जो है आपको कहाँ पे आएंगे, कैसे आपको सॉल्व करने हैं और कैसे आपको यहाँ से अर्न करना है। सो गाइज, अब मैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे आ चुका हूँ। मोबाइल स्क्रीन पे मैंने जीमेल अपना जो है ओपन कर लिया है। देन गाइज, अब यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने ऊपर कैप्सूल ट्रांसट्यूटर सर्च किया। तो गाइज, मैंने जो था पहले इनको मेल लिखी थी तो मुझे मेल आ गया था। ये देखिए गाइज, आप देख सकते हैं न्यू क्वेश्चन नोटिफाइड बाई यूज़र्स। तो गाइज, मुझे जो है 1 सितंबर को यहाँ पे जो है वो क्वेश्चंस की मेल आ गई थी। सो गाइज, मुझे क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन शो नहीं हो रहे थे तो मुझे जब मेल आई तो मैंने अभी काफ़ी टाइम तक मेल चेक नहीं करी। मैं अगेन एंड अगेन जो था वो वेबसाइट ही चेक कर रहा था। तो गाइज, मैंने यहाँ पे मेल पे आके एक बड़ी ट्रांसलेटर सर्च करके जब मैंने चेक किया तो गाइज मेरे सामने यहाँ पे क्वेश्चन थे। गाइज, इवन मुझे इस तरह के और भी क्वेश्चन आ रखे हैं। और गाइज, जैसे कि आप देख सकते हैं अभी ये ईजी क्वेश्चन मैंने वहाँ सेलेक्ट किए थे। सो गाइज, मुझे क्वेश्चन यहाँ आ गए। तो गाइज, अब क्या हो रहा है, जो भी क्वेश्चन जो स्टूडेंट अपलोड कर रहा है वो हैंड टू हैंड ही आपको मेल पे भेज रहे हैं। देन गाइज, क्योंकि कंपटीशन जो है अभी आज के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुका है तो क्वेश्चंस की जो रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा कम है। सो गाइज, इसलिए जो भी क्वेश्चन स्टूडेंट्स पोस्ट करता है ट्रांसट्यूटर पे वो देन आपको डायरेक्टली आपकी मेल पे आ जाएगा। अगर वो क्वेश्चन कोई और स्टूडेंट सॉल्व कर देता है तो वो फिर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। बट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या हो रहा है कि क्वेश्चंस जो है वो इसमें भी अच्छी रेशो में अवेलेबल हो रहे हैं। गाइज, यानी कि आप अपनी मेल चेक कीजिए और अपनी मेल से जो भी आपको क्वेश्चंस आ रहे हैं उसे आप डायरेक्टली यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइज, अभी देख सकते हैं मैंने यहाँ पे अभी अपना जो अकाउंट है वो लॉगिन नहीं कर रखा है। देन गाइज, अकाउंट लॉगिन करने के बाद मैं यहाँ से सिंपली जो क्वेश्चन है उसे सॉल्व कर सकता हूँ। देन गाइज, उम्मीद करता हूँ अब आपकी जो ये प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो चुकी है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे, काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज आ रही थी इस प्रॉब्लम से रिलेटेड। तो देन गाइज, अभी इसका सॉल्यूशन मिल चुका है। अब गाइज, अपनी मेल चेक कीजिए, अगर आपके मेल पे क्वेश्चन आ रहे हैं तो देन गाइज आप वहाँ से इसको सॉल्व करके अर्निंग कर सकते हैं। अदरवाइज आप मुझे कमेंट बॉक्स में अगेन कमेंट कर सकते हैं अगर आपकी मेल में भी क्वेश्चंस नहीं है। तो गाइज, मैं उसका भी आपको सॉल्यूशन बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए उसके आगे। तो गाइज, तब तक के लिए फिर मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर वीडियो हल्की सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि इस तरह की और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोगों तक टाइम टाइम तक पहुँच सके।